फ्रेंड्स, आपने कई सारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोर्ड्स में इस टाइप का सिल्वर कलर वाला कंपोनेंट देखा होगा। जैसे कि आप इन किट्स में भी देख सकते हैं, लाइक ऑर्डिनो बोर्ड्स, माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड्स, कैन कंट्रोलर्स, टीटीएल टू यूएसबी कन्वर्टर, आरएफ मॉड्यूल्स, अल्ट्रासोनिक सेंसर्स, बीम सेंसर्स, इवन घर में यूज़ होने वाली क्लॉक में भी ये कंपोनेंट यूज़ किया जाता है। इस कंपोनेंट को क्रिस्टल ऑसिलेटर कहते हैं। आज की वीडियो में हम आपको क्रिस्टल ऑसिलेटर के बारे में ही बताएंगे। क्रिस्टल ऑसिलेटर क्या काम करता है, इसको लगाने या नहीं लगाने से क्या फर्क पड़ता है, क्रिस्टल ऑसिलेटर वर्क कैसे करता है, कौन से मटेरियल से ये बना होता है और इसका एडवांटेज क्या है अदर ऑसिलेटर के कंपैरिजन में, ये सब हम आज की वीडियो में आपको बताएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं द टियारा टेक शो। सबसे पहले एप्लीकेशन देखते हैं, कहाँ कहाँ क्रिस्टल ऑसिलेटर यूज़ किया जाता है। कुछ ऐसे एप्लीकेशंस जहाँ पे हाई लेवल ऑफ स्टेबिलिटी रिक्वायर्ड होती है फ्रिक्वेंसी की, वहाँ क्रिस्टल ऑसिलेटर को यूज़ किया जाता है। जैसे कि रेडियो एंड टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स, डिजिटल सर्किट्स लाइक स्मार्टफोन्स, कंप्यूटर्स एंड अदर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस एंड सर्किट्स, एंड माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड सर्किट्स जहाँ आपको क्लॉक सिग्नल जनरेट करना होता है। क्रिस्टल ऑसिलेटर स्टेबल क्लॉक फ्रीक्वेंसी जनरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स मेनली माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड सर्किट्स, जहां ऑसिलेटर के बिना वह पूरा का पूरा सर्किट वर्क ही नहीं कर सकता। आपको आइदर इंटरनल और एक्सटर्नल ऑसिलेटर यूज़ करना ही होगा अगर आपको उस सर्किट को रन करना है। तब ऑसिलेटर के वजह से ही उसका प्रोग्राम रन होता है, अदरवाइज वह एक डेड बॉडी की तरह ही रहता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। हमारी जो बॉडी है, हमारी बॉडी में जो दिल है, जब तक वह धड़क रहा है तब तक हम जिंदा हैं। एक बार उसने धड़कना बंद कर दिया तो समझो हम चले गए। ठीक वैसे ही सर्किट में अगर क्रिस्टल ऑसिलेटर है और वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है तो सर्किट भी आपका प्रॉपरली वर्क करते रहेगा, अदरवाइज वो भी डेड हो जाएगा, वर्क करना बंद कर देगा। अब आप सोचेंगे कि अदर टाइप्स के भी तो ऑसिलेटर्स अवेलेबल है, लाइक आरसी, एलसी ऑसिलेटर्स, फिर क्रिस्टल ऑसिलेटर को ही क्यों प्रिफर किया जाता है? तो कुछ प्रॉब्लम होती है अदर ऑसिलेटर के साथ में, जैसे कि अगर टेम्परेचर चेंज हो गया या फिर सप्लाई वोल्टेज चेंज हो गया या फिर जो कंपोनेंट आप यूज़ करो उसमें स्लाइट उसकी वैल्यूज़ में कुछ चेंजेस आ गए तो जो फ्रिक्वेंसी जनरेट हो रही है वो भी चेंज हो जाती है और इसके वजह से आपके सर्किट में मल फंक्शनिंग स्टार्ट होती है। अगर आपको डिज़ाइन किया हुआ सर्किट प्रॉपरली फंक्शन कराना है तो आपको उसकी जो क्लॉक फ्रिक्वेंसी है उसको स्टेबल रखना बहुत ज़रूरी है, जो हम क्रिस्टल ऑसिलेटर्स के थ्रू ही कर पाते हैं, इसलिए हम क्रिस्टल ऑसिलेटर्स को ही प्रिफर करते हैं। अब वर्किंग प्रिंसिपल जानेंगे क्रिस्टल ऑसिलेटर की। क्रिस्टल ऑसिलेटर इनवर्स पीजियो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं और ये पीजियो इलेक्ट्रिक मटेरियल से बनाया हुआ होता है, मीन्स बनाया जाता है। अब इनवर्स पीजियो इलेक्ट्रिक प्रिंसिपल क्या होता है वो जानते हैं। अगर हम पीजियो मटेरियल को वोल्टेज अप्लाई करते हैं तब वो एक सर्टन फ्रिक्वेंसी से वाइब्रेट करने लगता है। इस फ्रिक्वेंसी इसके वजह से फ्रिक्वेंसी जनरेट होती है और जो फ्रिक्वेंसी जनरेशन है वो उसके कंस्ट्रक्शन एंड मटेरियल पे भी डिपेंड करते हैं। और जो पीजियो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है होता है उसमें जब हम पीजियो मटेरियल पे मैकेनिकल फोर्स अप्लाई करके उसको वाइब्रेट करते हैं तब हमें वोल्टेज में आउटपुट मिलता है। तो जो क्रिस्टल ऑसिलेटर है वो इनवर्स पीजियो इलेक्ट्रिक प्रिंसिपल पे वर्क करता है। तीन टाइप्स के पीजियो इलेक्ट्रिक मटेरियल होते हैं। पहला होता है रॉचेल साल्ट, दूसरा है टर्मलाइन एंड तीसरा है क्वार्ट्स। तो जो क्रिस्टल ऑसिलेटर होते हैं वो जनरली क्वार्ट्स मटेरियल से ही बनाए जाते हैं क्योंकि क्वार्ट्स मटेरियल लार्ज क्वांटिटी में अवेलेबल है और काफ़ी स्ट्रांग भी है। क्रिस्टल ऑसिलेटर का सिंबल और इक्विवेलेंट सर्किट हमने यहाँ पे शो किया है, आप देख सकते हैं। क्रिस्टल ऑसिलेटर किलोहर्ट्ज से मेगाहर्ट्ज की रेंज में मार्केट में अवेलेबल होता है। कुछ कॉमन वैल्यूज़ हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं, जैसे कि 32.7 किलोहर्ट्ज या आरटीसी में यूज़ किया जाता है, 1 मेगाहर्ट्ज, 8 मेगाहर्ट्ज, 11.0592 मेगाहर्ट्स, 12 मेगाहर्ट्स एंड 20 मेगाहर्ट्स, ये वैल्यूज़ है जो जनरली माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड्स एंड अदर सर्किट बोर्ड्स में यूज़ करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको क्रिस्टल ऑसिलेटर के बारे में
इस वीडियो में सब समझ गया होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और कमेंट जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ न्यू टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।